कोविड-19 के टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत आज हुई। कोरोना वॉरियर के फ्रंट लाइन में शामिल जिले के पुलिस कर्मियों के लिए टीकाकरण की शुरुआत आज पुलिस लाइन में हुई, जहां लगभग 1300 पुलिस कर्मियों को टीका दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने की। उन्होंने जिलावासियों से अपील किया कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी अफवाह से बचे। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। आज वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर में जो पुलिस कर्मी है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इस ज़िले में कुल 1300 के आसपास पुलिस कर्मी हैं, सभी को ये वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन लगवाया है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ है। ये बहुत ही सेफ़ है, सभी पुलिसकर्मी हमारे लगाएंगे। और आमजनों को भी ये अपील है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार से बचें, वैक्सीन के बारे में कोई दुष्प्रचार से बचें, पूरी तरह से सेफ वैक्सीन। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।